जल्द अपना कमाल दिखाएंगे राजकुमार और तृप्ति। कैसा रहा ट्रेलर से लोगों का रिएक्शन? कैसा है राजकुमार और तृप्ति की फिल्म का ट्रेलर? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की नई मूवी की। राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। काफ़ी दिनों से इस फिल्म को लेकर बस बना हुआ है। अब फाइनली ट्रेलर रिलीज होकर सबको इसकी स्टोरी का पता चल जाएगा और आखिर विद्या और विक्की का कौन सा वीडियो है ये भी पता चल जाएगा। ट्रेलर की शुरुआत होती है विक्की और विद्या से, जो शादी के बाद सुहागरात में अपना वीडियो बनाते हैं और उसकी सीडी भी बना देते हैं। दोनों की रोमांटिक स्टोरी चल ही रही होती है कि तभी पता चलता है कि उनके घर चोरी हो जाती है और वो सीडी भी साथ में चली जाती है। अब विद्या और विक्की इस सीडी को ढूंढने निकलते हैं। इस दौरान विक्की एक मर्डर केस में फंस जाता है। ट्रेलर काफ़ी मज़ेदार रहा और इसके डायलॉग्स भी काफ़ी अच्छे हैं। राजकुमार और तृप्ति की एक्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। वहीं फिल्म में दो ऐसे एक्टर भी दिखे जो काफ़ी समय बाद पर्दे पर नजर आएंगे और वो हैं मल्लिका शेरावत और टीकू तलसानिया। मल्लिका का एक बार फिर से अपना हॉट अंदाज फिल्मों में दिखाएंगी। वहीं विजय राज भी इस कॉमेडी में और डायलॉग काफ़ी अच्छी देते दिखेंगे। ट्रेलर के देखकर सोशल मीडिया पर यूजर इसकी तारीफ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। किसी ने लिखा कि इस साल राजकुमार का है, एक ने लिखा कि तृप्ति की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, उनकी परफॉर्मेंस अब काफ़ी अच्छी होती जा रही है। वहीं एक ने लिखा कि विजय राज की कॉमिक टाइमिंग भी किसी की टक्कर नहीं ले सकती। फिल्म की बात करें तो इसे राज शांडिल्य ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। इसमें राजकुमार राव, तृप्ति डिमरी, विजय राय, मल्लिका शेरावत, टीकू तलसानिया और अर्चना पूरन सिंह संग में राकेश बेदी भी दिखाई देंगे। फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी। अब देखना ये होगा कि कैसे विक्की और विद्या की वो वाला वीडियो की मूवी कैसे चलने वाली है और क्या ये भी राजकुमार की बाकी फिल्म की तरह हिट होने जाने वाली है। इसे ज़रूर देखने जाइएगा अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।